हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक जो स्टोरी है 10th क्लास की, एक्चुअली स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ के बारे में है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट के बनने की कहानी, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, उस साइंटिस्ट का नाम है रिचार्ड एच एब्राइट भी कहा जाता है, और उनकी माँ उनको प्यार से रिची बोलती थी। एज अ किड अगर आपको याद होगा तो हम लोग कार्टून नेटवर्क पे एक कार्टून देखते थे, रिची रिच, एग्जैक्टली वही रिची जो है वो इनकी माँ इनको बोलती थी, पर इनका नाम था रिचार्ड एच एब्राइट। और ये जो उनके बारे में जिन्होंने लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इन्होंने इनके बारे में लिखा है कि कैसे ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। जो रिचार्ड है, रिचार्ड ने ये दो अवार्ड्स ऑलरेडी जीते हुए, सरले स्कॉलर अवार्ड एंड स्केरिंग प्लो अवार्ड, ये दो अवार्ड्स वो जीते हुए हैं। और इनकी जो कहानी थी एज अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट बनने की जो शुरुआत थी वो एक्चुअली बटरफ्लाइज के कारण, मतलब इनको बटरफ्लाइज में काफ़ी इंटरेस्ट था और वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, तभी से इनमें वो थोड़ा साइंस के तरफ एक लगाव बढ़ा, बायोलॉजी की तरफ एक लगाव बढ़ा, और उन्होंने तभी से साइंस पढ़ना शुरू किया और आगे चल के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो इनका सबसे बड़ा, एट द एज ऑफ 22, जब वो सिर्फ 22 साल के थे, तभी उन्होंने एक बहुत नया आविष्कार की एक थ्योरी दिया ऑन हाउ सेल्स वर्क, की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं। तो एक थे रिचार्ड और एक इनके रूममेट थे, वो दोनों मिलकर के ये थ्योरी दोनों ने दिया था, और ये कॉलेज स्टूडेंट्स थे। और एक मैगजीन थी जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ये मैगजीन जो है वो यूजुअली जो सेटल्ड वेल एडवांस जो साइंटिस्ट होते हैं, बहुत डेवलप्ड साइंटिस्ट, उनके रिसर्चेस को ये छापती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जब इस मैगजीन ने कोई कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को छापा था, और यही वर्क जो है, वही वर्क था ये ऑन हाउ सेल्स वर्क, इस वर्क को उन्होंने छापा था, उस कॉलेज, उस मैगजीन ने छापा था। और रिचार्ड जो है वो ऑफकोर्स, जैसा हम लोग पहले कहे कि वो बटरफ्लाइज कलेक्ट कर, जब वो बहुत छोटे थे, किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे, मीन्स अराउंड नर्सरी इसमें पढ़ते थे, तभी उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था। और इस काम में उनकी माँ जो है वो काफ़ी उनकी मदद करती थी, क्योंकि एक्चुअली क्या बात थी कि रिचार्ड जो थे उनको पढ़ने लिखने में, नई चीज़ें सीखने में बहुत मन लगता था। और जहाँ ये लोग रहते थे उस जगह का नाम था रीडिंग जो है वो जगह का नाम है, जो कि पेंसिल्वानिया में। तो वहाँ वो लोग रहते थे, और वहाँ इनके साथ खेलने के लिए कोई फ्रेंड्स नहीं थे इनके, तो इसीलिए इनकी माँ इनको हर काम में हेल्प करती थी, और बहुत सारी चीज़ें ये लोग शाम में अक्सर नए नए चीज़ें सीखते भी थे। और करीब जब रिचार्ड जो है वो 2 ग्रेड में थे, स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे ग्रेड्स यूज किया गया क्लासेस की जगह पर, ग्रेड्स, जब 2 ग्रेड में थे तब तक उन्होंने उस पेंसिल्वानिया जगह थी जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे करीब 25 तरह की बटरफ्लाईज पाई जाती थी, और सभी को ये कलेक्ट कर चुके थे। इनकी माँ कहती है एक इंटरव्यू में कि जब रिचार्ड 3rd ग्रेड में था तभी उसके पिता गुजर गए, और तब से इनका एक ही मकसद था, उनकी पूरी दुनिया थी रिचार्ड, उनका जो रिची है वो उनकी पूरी दुनिया थी, और वो उसी को हमेशा पढ़ाते लिखाते सिखाते रहती थी, कभी कभी उसके लिए उसके फ्रेंड्स को भी घर पे लाती थी ताकि वो लाइफ को पूरा इंजॉय कर सके। और शायद रिचार्ड का जो बटरफ्लाईज की दुनिया थी वो खत्म हो जाती जब वो कलेक्ट करना छोड़ दिए थे, लेकिन तब तक क्या हुआ कि उनकी माँ ने उनको एक किताब ला कर के दिया, जिस किताब का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क इज अ वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का वेराइटी होता है, तो उस पर यह बुक लिखी गई थी जिसको लिखा था डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्क्यूहार्ट, इन्होंने इस बुक को लिखा था। और इस बुक के एंड में, ये एक्चुअली माइग्रेशन, बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं, इस पर ये किताब थी। तो और उन्होंने लास्ट में, अपने बुक के लास्ट में जो फ्रेडरिक है, इन्होंने ये मेंशन किया था कि लोग क्या करें कि बटरफ्लाई का माइग्रेशन पढ़ने में हमारी हेल्प करें, और इसलिए आप क्या कीजिए कि आपके आसपास जितनी बटरफ्लाईज हैं उसके विंग्स को टैग कर दीजिए, मतलब एक लाइक पूछ जैसा लगाते हैं, तो एक लाइट एडहेसिव होता है जिससे कि बटरफ्लाई के पंख को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको आप टैग कर दीजिए और फिर उस पर कुछ कागज पे लिख दीजिए, और जिसके पास वो बटरफ्लाई मिलेगा वो फिर किसी, वो डॉक्टर उर्क्यूहार्ट से कॉन्टैक्ट करे ताकि ये पता चले कि बटरफ्लाई एक जगह से दूसरे जगह कितना दूर जाती है, कहाँ जाती है। तो काफी सालों तक
जो रिचार्ड थे इन्होंने क्या किया, बटरफ्लाईज को वो कलेक्ट करते थे। अब एक एक बटरफ्लाई कलेक्ट करेंगे तो उसमें मुश्किल होगा, तो ये क्या करते थे कि कुछ फीमेल बटरफ्लाईज को वो पकड़ के ले आते थे, उसके बाद उससे वो एग्स, जो बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल होता है फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, कैटरपिलर टू प्यूपा एंड प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, मतलब एक तरह से बटरफ्लाई का कल्चर करते थे, मतलब एग से लेके वो पूरा पालते थे उसको। और जब वो एडल्ट बटरफ्लाईज बन जाती थी तो उनके वो विंग्स को टैग करते थे। ऐसा काफी सालों तक चला। और उनके जो बिल्डिंग का बेसमेंट था, बेसमेंट होता जहाँ कार्स एंड ऑल पार्क होती है, जो बेस सबसे नीचे होता है बिल्डिंग का, वो काफी दिनों तक बटरफ्लाईज का घर रहा। वहां पे बटरफ्लाईज जैसे पूरा लाइफ साइकिल काफी सारे बटरफ्लाईज का वहां पर हुआ। और फिर क्या हुआ कि इनका धीरे धीरे इंटरेस्ट उस बटरफ्लाईज से जाने लगा, क्योंकि बटरफ्लाईज को टैग करना ये बहुत ही थोड़ा टीडियस वर्क और बहुत इनके लिए मोनोटोनस, मतलब बोरिंग हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली में इससे कोई रिजल्ट उनको मिल नहीं पा रहा था। सिर्फ इतने सालों में जितना इन्होंने बटरफ्लाईज को टैग किया, सिर्फ दो ही बटरफ्लाईज जो है टैग्ड बटरफ्लाईज वापस मिली, और वो भी ज्यादा दूर नहीं, बस 75 माइल्स की दूरी पर। तो इसीलिए एक वर्क आप एक काम कर रहे जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो ऑफकोर्स बोरिंग मोनोटोनस हो जाता है। और ठीक इसी तरह उनके साथ भी हुआ, रिचार्ड के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। फाइनली रिचर्ड कुर, व्हाट इज रियल साइंस, ये बात तब पता चली जब वो सेवेंथ ग्रेड में गए। सेवेंथ ग्रेड में उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में पार्ट लिया, हिस्सा लिया। काउंटी कहते हैं सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और उस फेयर में, उस जो कॉम्पिटिशन था, साइंस फेयर था, मतलब साइंटिफिक एग्जीबिशन टाइप, उसमें वो हार गए। लेकिन उस हार से वो मीन्स लाइक निराश नहीं हुए, उन्होंने कुछ सीखा कि पार्ट लेना, हिस्सा लेना सीखने का एक तरीका है, और हम इसी तरह हारेंगे तभी आगे चल के फिर जीतेंगे। हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सक्सेस की तरफ पहला कदम है। ऐसा सोच करके वो फिर आगे भी उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते रहे। फिर उन्होंने एक चीज और रियलाइज किया कि जो काउंटी साइंस फेयर्स होते हैं उसमें आपको कुछ अपना रियल देना है, सिर्फ कोई चीज एग्जिस्ट करती है वो प्रेजेंट नहीं करना, बल्कि आपको कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो सेवेंथ ग्रेड जिसमें कि वो हारे, जब वो सेवेंथ ग्रेड में पढ़ते थे उसमें वो उस फेयर में हार गए, उसमें उन्होंने क्या दिखाया था, तो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज के स्लाइड्स तैयार किए थे और उसको माइक्रोस्कोप पे सिर्फ प्रेजेंट किया था। उन्होंने अपना कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। देन जब वो फिर एट्थ ग्रेड में गए, तो मींस नेक्स्ट ईयर उनको फिर से चांस मिला, वो फिर से इस काउंटी साइंस फेयर में पार्ट लिया और इस साल वो जीते। मीन्स नॉट गारंटीड कि फर्स्ट प्राइज, बट ही वन सम सेकेंड और थर्ड। और इसमें उन्होंने क्या किया था, वो ये खोजना चाह रहे थे कि कुछ मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, मतलब एक तितली की वैरायटी, उसका एक स्टेज है कैटरपिलर, एग से जो बटरफ्लाई बनती है उसके बीच एक स्टेज आता है कैटरपिलर का, तो उसमें उस स्टेज में कुछ ऐसे वायरल डिजीजेस होते हैं, कुछ डिजीजेस जो कि वायरस के थ्रू कॉज होते हैं। उससे क्या होता है कि हर कुछ साल पर लगभग सारे मोनार्क जो है वो मर जाते हैं। और वो डिजीज कौन कैरी करता है, वो वायरस को कौन कैरी करता है, तो बीटल्स एक कीड़ा है, बीटल्स वो कैरी करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, हालांकि वो इस बात को बहुत अच्छे तरह से प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनका एक्सपेरिमेंट काफी प्रेजेंटेबल था और इसीलिए इस बार वो जीते। देन नेक्स्ट ईयर उनका जो प्रोजेक्ट था वो जूलॉजी डिवीजन में, जूलॉजी कहते हैं हम एनिमल्स से रिलेटेड जो ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। और जो पूरा साइंस फेयर था, मतलब जिसमें सारे फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ आते हैं, उसमें उनको थर्ड पोजीशन मिला था। सिर्फ जूलॉजी में फर्स्ट और बाकी टोटल जो एग्जीबिशन था उसमें उनको थर्ड पोजीशन मिला था। इसमें उन्होंने जो नेक्स्ट ईयर वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने टेस्ट किया था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज होती है वो मोनार्क्स को कॉपी करती है। वाइसरॉय और मोनार्क्स दोनों तितलियों के दो वेराइटी है। लाइक आप देखिए, ये जो है ये मोनार्क का वेराइटी है और ये जो है ये वाइसरॉय का वैरायटी है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क को कैसे कॉपी करती है, तो वो अपना जो पंख है वो ऐसे ही नीचे गिरा लेती है। तो ऐसा वो क्यों करती है, रिचर्ड ने ये बतलाया कि शायद वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो ये वाले बर्ड्स, ये वाली बटरफ्लाईज है मोनार्क, इसको ये जो बर्ड्स है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि जो वाइसरॉय है इनको तितलियां खा जाती है, सॉरी इनको बर्ड्स जो है ऐसे बटरफ्लाईज को खा जाती है। तो अगर ये वाइसरॉय जो है वो नकल कर लेंगी मोनार्क का, तो
तो जो बर्ड्स है वो इनको भी नहीं खाएंगी, तो इसलिए वो ऐसा नकल करती हैं। हालांकि बहुत हद तक रिचार्ड ने ये प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि एक चिड़िया होती है स्टारलिंग, जिसको हम लोग मैना बोलते हैं, उसको स्टारलिंग भी बोलते हैं। तो वो चिड़िया के सामने जब तितलियों को रखा गया तो वो मोनार्क को ही खा जाती थी, बल्कि वायसराय को नहीं खा रही थी। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत हद तक प्रूफ तो नहीं हो पाया कि बर्ड से बचने के लिए वायसराय जो है वो मोनार्क का कॉपी करती है, लेकिन हाँ आगे चल के ये जरूर प्रूफ हुआ कि वायसराय मोनार्क का कॉपी करती है, और इसलिए इसी वजह से इनको ये प्राइज भी मिला। देन ऐसा कहते हैं ना कि आदमी एक बार हारता है फिर वो धीरे धीरे करके स्टेप ले लेके आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली रिचर्ड के साथ भी हुआ, ऐसा नहीं था कि वो एक ही बार हाइट्स पे पहुंच गए, बल्कि वो हारे लेकिन उन्होंने मीन्स इस हार को अपने सक्सेस का रुकावट नहीं बल्कि उसका एक कदम एक स्टेप समझा, और वो धीरे धीरे आप देख रहे वो आगे बढ़े। अभी उन्होंने थर्ड पोजिशन लाया, आगे आप देखिएगा वो फर्स्ट पोजिशन लाएंगे एंड देन वो इंटरनेशनल लेवल पे टॉप कर जाएंगे। ओके, देन सेकेंड ईयर जो हाई स्कूल था उसमें उन्होंने एक इंसेक्ट के अननोन इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में देखा। तो ऐसा था कि कुछ बटरफ्लाईज होती हैं, उसमें कुछ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते, 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते। तो पहले माना जाता था कि ये ऑर्नामेंटल होता है, मतलब सिर्फ डेकोरेशन के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि वो जो साइंटिस्ट थे उर्के हर्ट, जिसका किताब रिचर्ड ने पढ़ के इंस्पिरेशन लिया था, उससे रिचर्ड ने काफी सजेशंस लिए थे इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स को करने के पहले। तो उनका ये मानना था कि जो वो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो ऑर्नामेंटल नहीं बल्कि वो एक पर्पस सर्व करते हैं। तो इन लोगों का जो काम था, जो भी रिचर्ड थे इनके फ्रेंड्स थे, उनका ये काम था कि वो एक ऐसा डिवाइस निकाले जिससे ये पता चले कि वो स्पॉट्स जो हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो एक ऐसा हार्मोन है जो बटरफ्लाइज के ग्रोथ में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में, फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिचर्ड को काउंटी फेयर में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो फेयर था उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, और उनको इंटरनेशनल फेयर में एंट्री मिल गई, और उसमें उन्होंने जूलॉजी डिपार्टमेंट में थर्ड प्लेस एक्वायर किया, मतलब तीसरा स्थान उनको मिला इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। प्लस उनको रिसर्च करने के लिए इंटमोलॉजी लेबोरेटरी में, इंटमोलॉजी कहते हैं एक ऐसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, आर्मी का एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च था, उसमें उनको इंटमोलॉजी लैबोरेटरी में रिसर्च करने का मौका मिला। और रिसर्च करने का मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मल आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद से रिसर्च कर ले, और जब किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको मौका मिलता है तो आप कुछ नया निकाल सकते हैं, आप अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर रिचर्ड एब्राइट जो है वो जब सीनियर क्लासेस में गए तो वो अपने कुछ स्टेप्स आगे बढ़े, जैसे अभी तक वो पढ़ रहे थे कि कैसे मोनार्क जो बटरफ्लाई होता है उसमें कुछ स्पॉट्स होते हैं, उस स्पॉट से शायद हार्मोन्स निकलते जो कि बटरफ्लाई के विंग्स के ग्रोथ में हेल्प करते। लेकिन अब जब वो सीनियर क्लासेस में गए तो वो कल्चर किए बटरफ्लाई के विंग्स का, कल्चर किए मतलब उसके उससे सेल्स लेकर के उस सेल्स को ग्रो कराया, और तब ये देखा गया कि स्पॉट से जो हार्मोन्स निकलते हैं अगर वो हार्मोन्स ना निकले तो वो जो विंग्स है, विंग्स का जो वो कल्चर कर रहे थे उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। इसका मतलब कि वो हार्मोन्स सच में विंग्स के ग्रोथ के लिए जरूरी है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। और इसी विंग्स के स्पॉट्स के बारे में पढ़ते पढ़ते, इस हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते पढ़ते, एक दिन उनको जो उन्होंने थ्योरी दिया था सेल का, जो थ्योरी दिया था सेल के बारे में, उसका आविष्कार किया। तो एक्चुअली क्या था कि ये हॉर्मोन्स का करते करते ये बहुत सारे अवार्ड्स जीते इंटरनेशनल, ये जो हॉर्मोन वाले इन्होंने रिसर्च किया इसके कारण इनको इंटरनेशनल जो साइंस फेयर था उसमें फर्स्ट प्राइज भी मिला, जूलॉजी में भी फर्स्ट प्राइज मिला। तो इनको फिर से आर्मी का जो रिसर्च सेंटर था वहाँ पे काम करने का मौका मिला, और US डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर का वहां पे भी इनको काम करने का मौका मिला, रिसर्च करने का मौका मिला, जिसके कारण ये और भी एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। और हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर वो देख रहे थे, उसको वो एक्सरे करके डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स में उसको वो उस पर रिसर्च कर रहे थे, उस हार्मोन जो कि उस गोल्डन स्पॉट से निकलता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर। और तभी वो एक बार जब उस एक्सरे से उसको देख रहे थे उस हार्मोन के स्ट्रक्चर को, तभी उन्होंने ऐसा कुछ रियलाइज किया जिससे कि शायद जो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं कि DNA कॉपिंग होती है एक सेल से दूसरे सेल में, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं,
तो ब्लूप्रिंट्स होता है डीएनए का, वो कॉपी होता है, तो तब तक ये नहीं पता था कि ये कॉपिंग कैसे होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और जब ये उस हॉर्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इनको लगा कि शायद जो बायो का सबसे बड़ा पजल है जो अभी तक अनसॉल्वड है वो सॉल्व हो जाएगा, कि सेल्स कैसे वर्क करते, कैसे सेल्स का एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, कैसे जो हेरिडिटी का बेसिस था कि कैसे मीन्स फादर से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, वो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसलिए जब उनको थोड़ा सा भी रियलाइज हुआ कि उस स्ट्रक्चर में वो कुछ बायो का पजल ढूंढ सकते सॉल्व कर सकते, तो थोड़े भी एक्साइटेड नहीं हुए बल्कि और लगन से काम करने लगे। वो और उनके एक रूम पार्टनर थे जिनका नाम था जेम्स आर वॉन्ग, ये दोनों मिल करके लगातार काफी टाइम तक काम किए, उस केमिकल जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर था उससे प्लास्टिक के मॉडल्स तैयार किए, और इसी तरह वो रात भर काफी टाइम काम करते रहे और इस थ्योरी को उन लोगों ने एक्सप्लेन करके पेपर में लिखा और फिर बाद में जो मैगजीन में छपा भी। और फिर आगे चल के जो रॉबर्ट एब्राइट है, ये अपने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, शायद हाँ हार्वर्ड में वो पढ़ते थे, और वहां पर वो करीब उनके क्लास में 1510 बच्चे थे, 1510 उसमें से उनको सेकेंड पोजिशन आया। तो ऑफ कोर्स जो भी लोग रिचर्ड को जानते थे उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो हर कुछ अपना बेस्ट करते थे, वो जो काम करते थे वो बेस्ट करते थे, और वो इतने ज्यादा भी बिजी नहीं थे इन चीजों के तरफ कि वो दूसरे चीजों को नेग्लेक्ट करते, वो साइंस में बिजी थे, वो बहुत रिसर्चेस करते थे, वो बहुत मेहनत से और लगन से काम करते थे, लेकिन वो एक्सेंट्रिक नहीं थे, वो और चीजों पर भी ध्यान देते थे, जैसे he was good in photography and he was a very good canoeist, canoeist कहते एक boating sort of एक water sports होता है, and he was a very good debater, जो debate करते बहस करते हैं, he was also a public speaker and an outdoor person, outdoor person कहते जो कि natural scenes, सीनरीज को बहुत enjoy करता, nature की हर चीजों को enjoy करता, तो मतलब एक simple से एक बहुत सिंपल से इंसान जो कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करना पसंद करते थे, उससे उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी दे दी सेल पर, सेल थ्योरी का जो बेसिस है कि कैसे डीएनए कॉपिंग होता है उस थ्योरी को उन्होंने दिया। तो एक्चुअली ये जो पूरा एक कंप्लीट रास्ता है वो सिर्फ उनके लगन के कारण हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो भी काम करे वो परफेक्ट हो, वो बेस्ट हो। इनफैक्ट उनके एक टीचर थे सोशल साइंस के जो कि उनको डिबेट ये सब करना सिखाते थे, जिनका नाम था रिचार्ड ए वेहर, ऑफकोर्स दोनों का जो स्टार्टिंग नेम है वो सेम है। वो हमेशा कहते थे कि रिचर्ड जो है उसको जीतने की आदत है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन बुरे सेंस में नहीं, वो अच्छे सेंस में कॉम्पिटिटिव है, मतलब वो सिर्फ किसी प्राइज के लिए नहीं जीतना चाहता बल्कि उसकी ये जिद है कि हम कोई भी काम करें तो वो बेस्ट होना चाहिए, और काम चूंकि वो हमेशा अच्छा करता है इसीलिए वो बेस्ट प्राइज लिए वो जीतना डिजर्व करता है। और वॉट डज इट रिक्वायर टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, What are the ingredients? क्या ingredients है जो कि scientist बनने में आपको help करते हैं? तो first of all है एक bright mind होना चाहिए, mind जो है वो बहुत sharp होना चाहिए। Second चीज curiosity, क्योंकि जब आप एक scientist बनते हो तो आप एक नई चीजों को रिसर्च करके डेवलप करके आविष्कार करते हो, तो फॉर दैट यू नीड अ क्यूरियोसिटी कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, लाइक दैट। तो ब्राइट माइंड को हम जब मिक्स करते हैं क्यूरियोसिटी के साथ, तब जाकर एक साइंटिस्ट का जन्म होता है। प्लस एक जील होना चाहिए, एक जील होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि हम जो भी करेंगे वो बेस्ट करेंगे और जो भी होगा हमसे वो बेस्ट होगा। सो देयर कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स लाइक यू शुड हैव अ ब्राइट माइंड, प्लस नॉट ओनली दैट यू हैव अ ब्राइट माइंड एंड यू कैन डू एवरीथिंग, नो, आपके अंदर वो लगन होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत करें, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा कि रिचार्ड एब्राइट वो दिन भर वो बटरफ्लाइज पे रिसर्च करते थे, उसके हार्मोन्स पे रिसर्च करते थे, रात में जाके वो डिबेट्स करते थे, गेम्स खेलते थे, ही वॉज अ वेरी गुड फोटोग्राफर ऑल्सो, सो ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। एक इंसान जो कि बचपन में से बटरफ्लाइज कलेक्ट करना पसंद करते थे, उनकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। वो साइंस को ही, वो शुरू कब हुआ, जब वो सेवेंथ ग्रेड में फेल हुए, उनकी जो कहानी है वो एक फेलियर से शुरू होती है और आगे चल के देखिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट बन गए। साइंस के लिए एक ऐसा चीज आविष्कार किया जो कि आज सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, ही केप्ट अ माइलस्टोन। और ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, तो उन्होंने जो किताब पढ़ी थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो कि किन्होंने लिखा था, डॉक्टर उर्क्यू हर्ट जिन्होंने लिखा था, जिसमें कि लास्ट में था वो बटरफ्लाइज को टैग करने वाला, तो उस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स।
और वही मोनार्क एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई है जिसके गोल्डन स्पॉट्स से उन्होंने आविष्कार किया था कि एक हार्मोन रिलीज होता है, उसी हार्मोन का स्ट्रक्चर को देखते देखते वो सेल थ्योरी निकाल दिए। सो गाइज आई होप कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का था स्टोरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स थे, बहुत सारे साइंस रिलेटेड टर्म्स थे, बट स्टिल वी कम टू नो कि कैसे एक इंसान राइज करता है, कैसे कोई इंसान अपने फेलियर्स को अपनी ताकत बना सकता है, और अगर आप मेहनत करें, लगन से काम करें, तो यू कैन बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइज आई होप ये वाला स्टोरी थोड़ा बोरिंग था, साइंटिफिक था, बट स्टिल आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, अंडरस्टूड इट। So don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe for my channel if you haven't subscribed yet. See you in the next video. Till then, keep smiling and have wonderful days. Thank you.